सो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वेट हो रही है इस स्मार्टफोन की, क्योंकि इसका जो प्रीडिसेसर था ना, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, वो एक काफ़ी बड़ी हिट साबित हुआ था इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, उसी चीज़ के कारण यहाँ पर इसका जो सक्सेसर वर्जन होने वाला है, यानी कि S21 FE, उसकी काफ़ी ज़्यादा वेट हो रही है दोस्तों। पहले इसके स्पेकुलेशन थे कि इसका जो लॉन्च है वो हमें दिवाली से पहले देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें दिवाली के बाद भी नहीं उसका लॉन्च देखने को मिला अभी तक। तो आज हम लोग यहाँ पर इसके बारे में ना डिटेल्स में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो मेन बात रहने वाली है, इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या इसमें स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, इसके अलावा क्या फीचर्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ रहेगी दोस्तों कि ये जो स्मार्टफोन है ना, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है ना, इसका कंपटीशन रहेगा OnePlus 9RT स्मार्टफोन के साथ में। मेनली यहाँ पर ये चीज़ भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। इसके अलावा इसका लॉन्च और इसकी प्राइसिंग, ये चीज़ें भी हम लोग अपनी इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। क्या इसका, कब तक हमें इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है और किस प्राइस पॉइंट पे हमें इसका जो लॉन्च है वो देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपनी आज की इसी वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले से, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे पास में ये सिर्फ लीक्स हैं, अभी कोई कंफर्म डिटेल्स नहीं है। हाँ, जो डिज़ाइन है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, इसके अलावा जो डिटेल्स है ना वो कंफर्म नहीं है। तो लीक्स जो हैं वो बाद में चेंज भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये 100% एक्यूरेट रहेंगे। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में, दोस्तों यहाँ पर हमें 6.4 इंचेस की यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। ये फुल एचडी प्लस पैनल होगा और इसके अलावा यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का यहाँ पर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये जो डिस्प्ले होगी ये सैमसंग की ही बनाई हुई डिस्प्ले होगी, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डिस्प्ले होगी उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में बात करें, देन आगे की तरफ हमें होल पंच कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैक की साइड हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए, ओवरऑल जो डिज़ाइन है, ये जो स्मार्टफोन का डिज़ाइन रहने वाला है, ये हमें कुछ वैसा ही वेनिला S21 जैसा देखने को मिल सकता है। और बेसिकली देखा जाए ना, यहाँ पर मे बी सैमसंग ने पर्पसली या फिर मिस्टेकली जो है इसकी जो डिटेल्स है, ऑफिशियल लुक्स जो है वो अपलोड कर दी अपनी सैमसंग की ही अपनी वेबसाइट पे। मे बी ये मिस्टेकली किया है या फिर इन्होंने पर्पसली किया है, क्योंकि सैमसंग S21 FE है ना, इसका जो लॉन्च है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, बहुत ही जल्दी इसका लॉन्च होने वाला है। तो मे बी ये हाइप क्रिएट करने के यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, तो ताकि जैसे ही स्मार्टफोन लॉन्च हो उसकी जो सेल है वो एकदम से स्टार्ट हो जाए, उसको किक स्टार्ट मिल जाए। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है, बाकी ये चीज़ कन्फर्म नहीं कह सकते कि इन्होंने पर्पसली करी है या फिर मिस्टेकली करी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को सैमसंग के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं या फिर सैमसंग की न्यूज़ के साथ में या फिर आप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के साथ में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं ना, देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार इन टॉपिक्स पर जो वीडियोस हैं वो मैं लेकर आता रहता हूँ। सिर्फ सैमसंग पर नहीं, बाकी की कंपनीज पर भी मैं वीडियोस जो है लगातार लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के कैमरा के सेटअप के बारे में यहाँ पर बात करी जाए, देन यहाँ पर हमें रियर की साइड यहाँ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें से हो सकता है कि हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर देखने को मिल जाए। इसके अलावा जो सेकेंडरी कैमरा है वो हमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल सकता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो S20 FE था उसमें भी हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड कैमरा है ना, यहाँ पर हमें थर्ड कैमरा में डाउनग्रेड देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा थर्ड कैमरा जो था, लेकिन इस बार जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली ये लीक है, हो सकता है कि इस बार भी 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाए, लेकिन अगर 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है ना, अगर 40,000 से ऊपर वाला स्मार्टफोन है उसमें भी हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है, देन कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज़। तो मेरे हिसाब से तो ये 12 मेगापिक्सल का तो एटलीस्ट होना चाहिए, बाकी अगर 2 मेगापिक्सल रहता देन ये काफ़ी जो है डिसअपॉइंट करने वाली बात हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और हो सकता है कि इस बार हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन S21 FE में देखने को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि जो लीक्स हैं वो तो यही कह रही हैं, बाकी कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो इमेज सेंसर्स रहने वाले हैं वो सैमसंग के ही बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग अपने ही बनाया हुआ 64 मेगापिक्सल का
यहाँ पर इमेज सेंसर जो है यूज कर सकता है। तो दोस्तों बात कर ली जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार देखने को मिल सकती है इसमें, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल सकता है क्वालकॉम का ही बनाया हुआ इसी साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 SoC, जो कि बेस्ड है 5 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पे। बेसिकली दोस्तों हमारे पास में लीक्स हैं कि ये जो वेरिएंट रहेगा ये सिर्फ US मार्केट्स के लिए रहने वाला है, इंडियन मार्केट्स के लिए यहाँ पर हमें एक्सोनोस का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का जो एक्सोनोस 2100 जो SoC है वो हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को और डिटेल्स बता दूँ, देन यहाँ पर हमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मैक्सिमम 12 GB ऑफ रैम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो मैक्सिमम स्टोरेज है वो हमें 256 GB देखने को मिल सकती है। बेसिकली परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए ना, देन फोन की तरफ से कोई इशू नहीं आने वाला। बेसिकली जो स्नैपड्रैगन 888 SoC है उसमें हमें ओवरहीटिंग जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, लेकिन जो एक्सोनोस 2100 है ना उसमें हमें इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं देखने को मिले रिलेटेड टू हीटिंग। तो प्रोबेबली यहाँ पर हो सकता है कि जो एक्सोनोस 2100 SoC वाला जो वेरिएंट होगा ना वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 888 SoC। बाकी सैमसंग जो है कुछ टाइम बाद हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 888 SoC वाला भी वेरियंट जो है इंडिया में ले आए। और इस चीज़ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट यहाँ पर यूज़ करना चाहेंगे या फिर एक्सोनोस वाला, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। बेसिकली यहाँ पर लाइकली है कि हमें इसमें जो है 4500 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाए। बेसिकली जो बैटरी की जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो दोनों प्रोसेसर है दोनों वेरिएंट्स होंगे ना वो 5 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो जो 5 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने के कारण यहाँ पर पावर एफिशिएंसी जो है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बात कर ली जाए देन यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट देखने को मिल सकती है, जो कि हमें 15 वोल्ट का यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है देखने को मिल सकती है। बेसिकली सैमसंग जो है और एप्पल जो है ये ज़्यादा हाई जो है यहाँ पर चार्जिंग ब्रेक नहीं प्रोवाइड करते ज़्यादा फास्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बैटरी पर भी इम्पैक्ट डालती है। तो इन दोनों कंपनीज को पता है कि अगर ये ज़्यादा हैवी जो है यहाँ पर फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेंगे देन हो सकता है कि इनका जो फ़ोन है या फिर उनके फ़ोन की जो बैटरी है उनको डैमेज कर सकती है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो 15 या 18 वोल्ट की जो फास्ट चार्जिंग है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। तो इतनी ज़्यादा हैवी फास्ट चार्जिंग करनी भी क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर लाइकली है कि हमें 4500 mAh की बैटरी और 15 वोल्ट का यहाँ पर हमें फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं OnePlus 9RT और Samsung S21 FE के बारे में। बेसिकली यहाँ पर हमें क्या कंपटीशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए देन जो 9RT है उसका जो हमें लेटेस्ट जो लीक्स निकल कर रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका जो प्राइसिंग है वो हमें 42,000 से 44,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए देन Samsung Galaxy S21 FE लॉन्च इसका जो है हमें नेक्स्ट ईयर जनवरी में देखने को मिल सकता है। और इसकी जो इवेंट है वो नहीं होगी, वो प्रॉपर इवेंट नहीं होगी, यहाँ पर जैसे प्रेस रिलीज होती है ना वैसे ही ये स्मार्टफोन रिलीज हो जाएगा। प्रेस रिलीज भी नहीं होगी यहाँ पर, जैसे Amazon पर डायरेक्टली ये लॉन्च कर देते हैं ना वैसे ही स्मार्टफोन ये लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इवेंट जो है वो हमें S22 सीरीज़ की ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं OnePlus 9RT वर्सेस S21 FE पे, देन दोनों का जो प्राइसिंग है वो हमें थोड़ा बहुत जो है हमें सेम देखने को मिल सकता है। लेकिन जो S21 FE है इसकी जो कॉस्ट है वो हमें एटलीस्ट 50,000 तो देखने को मिलेगी इनिशियली। जी हाँ दोस्तों, ये लीक्स के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास में जो प्राइसिंग निकल कर आई है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 50,000 तो हमें यहाँ पर इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। लेकिन जो OnePlus 9RT है उसकी जो कॉस्ट है वो 44,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए दोनों में हमें जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाएंगे, दोनों में भी हमें स्नैपड्रैगन 888 SoC देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए देन यहाँ पर नेक टू नेक यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है दोनों कंपनीज के बीच में। तो लॉन्च के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया जनवरी में हमें इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है, यानी कि Samsung Galaxy S21 FE का। और ये जो स्मार्टफोन है ये 4 कलर्स में अवेलेबल हो सकता है, ब्लैक, पिंक, ग्रीन एंड वाइट। बेसिकली ये 4 कलर्स हो सकते हैं जिसमें हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली देखा जाए ये थी बातें Samsung Galaxy S21 FE के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग and keep watching our videos.